बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगी सुश्री राधिका गुप्ता जी को, जो कि भारत के सबसे कम शिक्षित जिला अलीराजपुर जी की निवासी हैं। राधिका गुप्ता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 18वां स्थान प्राप्त किया है। स्वागत है आपका। जानेंगे राधिका के अनुभव। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, उपस्थित सभी गण मान्यजन, मेरे उपस्थित अधिकारीगण एवं मित्रगण, सभी को सादर नमन। मैं राधिका गुप्ता जिला अलीराजपुर से हूँ। इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 18 अर्जित की है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से क्षण निकालकर हमें मार्गदर्शन देने एवं प्रेरित करने के लिए दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बताते हुए मुझे गर्व भी होता है एवं पीड़ा भी होती है कि मैं जिस जिले से हूँ वह न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में साक्षरता के दर में सबसे नीचे आता है। लेकिन इसे अगर मैं सकारात्मक रूप से देखूँ तो इसी ने मेरी पर्सनालिटी को बनाने में मेरी मदद की है। मैं आज जो भी हूँ शायद उस जिले के कारण ही हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मेरे माता पिता का, जिन्होंने शिक्षा की यह नींव बनाई और मुझे इस रास्ते तक यहाँ तक पहुँचाया। माननीय महोदय जी, यूपीएससी की तैयारी के 3 वर्षों के काल में मैंने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखा और तैयारी के कारण मुझे इस बात से भरोसा हुआ कि अगर मैं सफल ना भी हुई तो अच्छे व्यक्तित्व के गुण तो मुझ में मिल ही जाएंगे। धैर्य एवं संयम इस परीक्षा ने मुझे सिखाया है। इन 3 वर्षों में मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि असफलता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको संवेदना सिखाती है जो कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने साथियों से मैं यह कहना चाहूँगी कि अपनी मेहनत पर कभी शंका मत कीजिए। आपका विश्वास आपका सबसे ताकतवर हथियार है और यह शायद मेरा विश्वास ही है जो मुझे आज आपके बीच इस तरीके से लाया है। हम सभी की शुरुआत भले ही भिन्न हो सकती है पर हम सभी का अंत देश सेवा ही है। तो रास्ते रास्ते भले भिन्न हो पर हमारा अंत गोल एंड गोल सेम है। अपने साथियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसीलिए अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखिए। माननीय महोदय जी, यह मेरे लिए गौरव और सौभाग्य की बात है कि आज इस सभा का मैं हिस्सा बन पाई और अपनी बात मैं यहाँ इस तरीके से रख पाई। मैं काफ़ी उत्साहित और खुश हूँ कि अपनी लोक सेवा की यात्रा की शुरुआत करने में एवं सभी का मार्गदर्शन लेने के लिए। और अंत में मैं यह आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं अपनी संविधान के मूल रूप उनके आदेशों का निर्वहन करूँगी और अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री राधिका गुप्ता जी। आपकी पॉजिटिव अप्रोच को सलाम। आपकी पॉजिटिव अप्रोच बहुत अच्छी है और उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से शासन में भी काम करेंगी।